चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare 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 Krishna Hare Hare
ओमज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपी सह गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम सब हिंदी वही बार से था सब कहीं ना किसी लोग हिंदी बात देखिए वाले लेते सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। श्रील वैश्यवदन प्रभु श्री निष्कृष्ण महाराज सूर्यकांत प्रभु सवैष्णव वैष्णवी हाँ बधाई महाराज सभी का यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण राम नवमी को उपलक्ष्य करके हम लोग कोशिश करेंगे 9 दिन तक रामायण कथा सुनने के लिए। कहते रामायण कथा गुरु जी का बहुत प्यारा था। गुरु जी कहते थे जब मेरे को रोने का इच्छा करता था मैं रामायण लेकर बैठता था और रामचरितमानस को गुरु जी बोलते थे पढ़ पढ़ करके उसको मैं रोया करता था। इसलिए गुरुदेव जब मथुरा में रहते समय रामायण जब राम का जन्म महोत्सव आने पर वहाँ पर भी बड़े दिनों तक गुरुदेव राम कथा सुनाया करते थे। और जो गुरु जी के साथ में कभी हम जयपुर भी गए थे गुरुदेव जयपुर में भी वहाँ 7-8 दिन तक केवल गुरु जी ने केवल राम राम कथा सुनाई। गुरु जी बहुत सारी जगह में गुरुदेव रामायण कथा सुनाई। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो कृष्ण जो भक्ति है बड़ी टेढ़ी चीज है। जैसे कृष्ण नाम भी जब तक ये जीवा तीन बार टेढ़े नहीं हो जाए कि तब तक देखना ये कृष्ण नाम भी नहीं निकलता है। कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े हैं उनकी लीला भी बड़ी टेढ़ी है और उनकी पूरा वृंदावन धाम भी टेढ़ा है। इसलिए एक भजन है तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया है वृंदावन टेढ़ो तेरे गोकुल तेरो टेढ़ो टेढ़ो रे टेढ़ी तेरी जसोदा डोकरिया तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। गुरुदेव कहते थे कृष्ण भक्ति बड़ी टेढ़ी की है और कृष्ण का कोई भी लीला को
हम अनुकरण नहीं कर सकते, कोई भी लीला को हम अनुसरण नहीं कर सकते। क्या मक्खन चोरी करते थे, हम क्या चोरी कर सकते हैं? भगवान कृष्ण जैसे गोपियों का चीर चुरा, चीरी चोर कर सकते हो? कृष्ण जैसे पुतना को मारे, आप क्या मार सकते हो? कृष्ण जैसे रास लीला किया 7 करोड़ गोपियों को साथ में, क्या हम रास कर सकते हैं? कहते कृष्ण का गुरुदेव कहते कृष्ण का कोई भी लीला को हम लोग अनुकरण नहीं कर सकते, कोई लीला। लेकिन राम लीला गुरुदेव कहते थे जब तो कोई व्यक्ति राम लीला को अपना जीवन में नहीं उतारे, कहते वो कभी भी कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। कहते भ्रष्टाचारों का कृष्ण लीला में कोई अधिकार नहीं। गुरुदेव कहते थे भ्रष्टाचार व्यक्तियों का कोई भी कृष्ण लीला उनके अधिकार नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते थे धोबिनी एक रात कहीं रुक गई कि बिना कारण से है, कहते कभी उसने मजबूरी में एक रात कहीं रुक गई किसी कैबटो घर में, भगवान ने क्या किया? कैबटो घर में रुक गई तो उसको पति उसको रुकने नहीं दिया, इसलिए भगवान को अपना सीता को त्याग देना पड़ा। भगवान मतलब चरित्रता के ऊपर में इतना उन्होंने शिक्षा दिया है। इसलिए एक दिन किसी ने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव बेटा बात नहीं सुनता है, बेटा बात नहीं सुनता। गुरुदेव कहते थे बेटा रामायण पढ़ते हो? गुरुदेव बोलते रामायण पढ़े हो कभी? बच्चों को रामायण कभी पढ़ाया है तुमने? बोले नहीं। तो गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति रामायण नहीं पढ़ता है और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ता है उसका यही दुर्गति है, उसका यही दुर्गति भोगना पड़ेगा। हैं बेटा को तो स्मार्टफोन पकड़ा दिया 10-20 हजार रुपया का, जिसमें उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, लेकिन जिसमें उसका जीवन सुधरेगा। तुमने रामायण पढ़ा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ा है, इसलिए तुमको ये दुर्गति भोगना पड़ रहा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर तुम अपना घर को राम राज्य बनाना चाहते हो, इसलिए गुरुदेव कहते राम राज्य का नाम क्या था? बोले अयोध्या। कहते अयोध्या मतलब क्या होता है? बोले जहां पर कभी युद्ध नहीं होता है। राज्य का नाम था अवध। अवध मतलब क्या है? जहां पर किसका वध नहीं होता है। इसलिए कहते एक प्यार है दैविक भौतिक तापा राम राज्य तहां कहो नहीं प्याप्या। मतलब राम राज्य में आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक जो तीन तरह का दुख है कभी भी ये अयोध्या वासियों के ऊपर में कभी व्याप्त नहीं किया है। कहते ये तीन चीजों से ये अयोध्या ऊपर आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ये तीनों दुखों से अतीत श्री ये अयोध्या धाम है। इसलिए गुरु जी कहते थे अगर तुम रामायण पढ़ता और बच्चों को रामायण पढ़ाता तो भगवान सवेरे क्या उठ करके भगवान राम क्या करते हैं? हैं कहते प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे? बोले मात पीत गुरु नमई माता। सवेरे उठ करके भगवान स्वयं अपना माता पिता की चरण छूते थे। गुरुदेव बोलते रामायण देखे हो कि नहीं? बोले देखा। बोले भगवान क्या करते थे? जब दशरथ महाराज शयन करते समय भगवान स्वयं अपना पिताजी की चरण की सेवा करते थे। इसलिए आप देखना देश देश में रामायण सब लोगों ने रामायण पढ़े हैं, इसलिए करके पिता बच्चों ने क्या करते थे? पिता माता की चरण सेवा करते थे। क्या तुम लोगों ने कभी किया कि नहीं पिता माता की चरण सेवा? उन्होंने तो किया। पिताजी की जब सोते थे पिताजी हम पिताजी की चरण दबाए, हम तो छोटे बच्चे थे ना, और गुरु मेरे पिताजी बोलते हमारे ऊपर खड़े हो जाओ, हम उसमें कितने 12-13 साल के हो गए, बोले हमारे ऊपर में खड़े हो जाओ, हम तो छोटे बच्चे थे। पिताजी के ऊपर ये उभर गए पिताजी की ऐसे पिताजी हम लोगों ने पिताजी की सेवा किया है। इसलिए कहते भगवान राम ने क्या किया? 14 साल के लिए पिताजी के आदेश पालन करने के लिए भगवान 14 साल के लिए वनवास गया। बोला अपना बेटे को बोल 14 दिन के लिए तुम्हारी आदेश पालन करने के लिए भगवान तो 14 साल के लिए चले गए थे, अपना बच्चे को बोल 14 दिन के लिए पिताजी के आदेश पालन करने के लिए कहीं जाएगा?
बोले 14 दिन के लिए तो अपना मनमर्जी घूमने जा सकता है, लेकिन पिताजी के आदेश पालन करने के लिए 14 दिन के लिए कभी भी वो नहीं जाएगा। 14 दिन के लिए कहीं, कारण क्या है? बोले रामायण पढ़ता नहीं, रामायण पढ़ाया नहीं बच्चों को। भगवान ने क्या किया? अपना माँ के आदेश पालन करने के लिए। बोले किस, कौन सा माँ? बोले सौतली माँ, अपना माँ नहीं, कौशल्या नहीं, कैकेयी की। कैकेयी की केवल कैकेयी की आदेश पर उन्होंने हैं, कैकेयी के आदेश पर भगवान 14 साल के लिए भगवान चले गए, वनवास चले गए। भरत ने क्या किया? भाई भाई में कैसे मित्रता होनी चाहिए, भाई भाई में कैसे मित्रता होनी चाहिए। भरत ने क्या किया? उन्होंने राज्य पाने पर भी है, राज्य पाने पर भी राज्य को उसने क्या किया? बड़े भाई के, बड़े भाई के लिए अपना राज्य पूरा दे दिया। बोले नहीं, उनके पादुका को लेकर के सिंहासन में रख करके है, उनके आशीर्वाद से उन्होंने क्या किया? पूरा उन्होंने राज्य को चलाया। और बड़े भाई वनवास में, इसलिए उन्होंने क्या किया? एकदम ऋषि वेश धारण करते हुए नंदीगांव में उन्होंने अपना जीवन बिताया। अभी कौन सा भाई ऐसे करेगा? लक्ष्मण ने क्या किया? भैया की सेवा के लिए लक्ष्मण ने क्या किया? उन्होंने 14 साल के लिए राम की सेवा किया। शत्रुघ्न ने क्या किया? भाई की सेवा किया। मतलब भाई भाई में प्रेम कैसे होनी चाहिए, बहू बहू में कैसे प्रेम होनी चाहिए, बच्चे पिता में कैसे प्रेम होनी चाहिए। इसलिए देश देश में कहते रामायण अगर कोई पढ़ेगा ना, सचमुच कोई रामायण पढ़ेगा, उसको शिक्षा को अपना जीवन में उतारेगा, तो उसका घर ही, इसलिए देश का नाम था अयोध्या अवध। अयोध्या मतलब जहां पर कभी युद्ध नहीं होगा। घर में अगर रामायण पढ़ाई हो ना, घर में रामायण शिक्षा ग्रहण करे, घर घर किसी घर घर में कभी लड़ाई नहीं होगा। घर क्या हो जाएगा? अवध हो जाएगा घर उसका, अयोध्या हो जाएगा घर उसकी है, इसलिए उसका घर भगवत धाम बन जाएगा। इसलिए अभी मुसलमान देश में भी रामायण को आदर करते हैं। इंडोनेशिया में वो भारत से साधुओं को बुला कर ले जाते हैं, मुरारी बापू ये सब रामकथा करते हैं ना, इनको विदेशी लोग, ये मुसलमान लोग ले जाते हैं। बोले क्यों? बोले अगर रामायण सुनेंगे, हमारे घर की जो बहू बेटी सती बन कर रहे, और अभी दुनिया जो हो रहा है, पहले तो एक असत्य नहीं मिलती थी, पहले एक कहीं एक असत्य कहीं मिलती थी, अभी कलयुग में एक सत्य मिलना कठिन हो जाएगा। कारण क्या? रामायण नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते रामायण, इसका इसलिए इसलिए मुसलमान लोग चाहते हैं हमारी घर की बहू बेटी सती बन करके रहे, इसलिए क्या करते साधुओं को बुला करके, बोले क्या करो, रामायण हमारे घर बहू बेटियों को रामायण सुना, ये रामायण सुने। रामायण सुनने पर उनका तो चेतना आ गई, नहीं नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सीता को त्याग दिया और एक रात कहीं रुक गई है, एक रात कहीं रुक गई कौन? धोबी नहीं, और उसको पति घर में रहने नहीं दिया, बोले जीवन वहीं बिता दो। लेकिन अभी देखो बेटी कहाँ जा रही है, पत्नी कहाँ जा रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हैं, और खुद कहाँ जा रहे हैं, और शाम होते ही बेटी कहाँ चली गई, बहू कहाँ चली गई, बताए नहीं। कहते इसका कारण है रामायण नहीं पढ़ते हैं, रामायण नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये दुर्दशा है। इसलिए अगर हम अपना देश को पूरा अयोध्या अगर अवध बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? हमारे रामायण पढ़नी चाहिए। अगर देश रामायण पढ़े ना, ये कोरोना वायरस वायरस कुछ नहीं होगा, कुछ इस चीज नहीं होगा, कभी आएगी नहीं, कभी आएगी नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहु नहीं व्यापा है। वहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहते राम राज्य में आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये कौन सा बीमारी? ये कोरोना है, आदि दैविक है, ये आदि दैविक है, देवता द्वारा भ्रत दुख है। इसलिए क्यों हो रहा है? कारण कारण क्या है? कारण है लोग मांस मछली खा रहे हैं, भगवान भजन भजन से कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज में कोई मतलब नहीं, तभी ना, हाँ तभी तो हो रहा है। हमारे बृहद भागवत अमृत में, बृहद भागवत अमृत में वहां पर बताए, जब नारद जी गए किसको पास में, नारद जब गए
श्री नारद जी हैं, जो भक्ति का जो प्रारंभ हुई यहाँ पर प्रयाग में, जब देखा ब्राह्मणी जी को इतना भजन करते हुए, बोले भगवान की सबसे बड़ी कृपा पात्र। बोले नहीं, अगर भगवान की सबसे बड़ी कृपा पात्र देखना चाहते हो चले जाओ तुम दक्षिण देश राजा को देखो, है वहां पर बिना शस्य किए हुए कोई खेती नहीं करते हैं, ये पृथ्वी इतने प्रसन्न क्यों? राजा स्वयं भजन करता है, रानी स्वयं भक्ति करते हैं, प्रजाओं को भजन कराता है, सर्व जगह में ठाकुर को भक्ति पूजा सेवा भक्ति हो रही है। कहते बिना बोए, कहते बिना बोए इतना पृथ्वी दे रही है, कुछ पेड़ पौधा लगाते ही नहीं, पृथ्वी इतने शस्य इतने फल फूल दे रहा है, लोग खाकर खत्म नहीं कर पाते। क्यों? जिस देश में भगवान की भजन भक्ति पूजा हो, ठाकुर जिस देश में प्रसन्न है ना, उस देश में कहीं कमी नहीं रहेगा। लेकिन जिस समय बैण राजा आए, पृथ्वी सब छुपा दी, सब सब खेती करने पर भी खेती नहीं होता, पृथ्वी सब छुपा लेती, हरण कर लेती है। बोले क्यों? सब नास्तिक बन गए, राजा स्वयं नास्तिक था, बोलता था मेरे देश में कोई भजन नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई भक्ति नहीं कर सकते हैं, यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए पृथ्वी सब कुछ अपहरण कर लिया। इसलिए जो कोरोना वायरस है ना, भगवान का कीर्तन हो ना, सब जगह भगवान का कीर्तन हो, इसलिए के श्लोक में ना बोले उपद्रव समनम, उसमें श्लोक में आता है, श्लोक है, श्लोक याद नहीं आ रही मेरी, उस श्लोक में बताया जितना दुख कष्ट व्याधि जितने, कहते उपद्रव समनम, बोले किसमें? बोले हरिनाम संकीर्तन में। इसलिए हमारे गांव में लोग क्या करते थे, जब महामारी आती थी मृदंग करता लेकर पूरा गांव में कीर्तन करना शुरू करते थे। हमारे देश में अष्ट प्रहर बैठता था, अपने आप दुख कष्ट खत्म, अपने आप खत्म हो जाते थे, क्योंकि भगवान से बढ़कर के जगत में कोई चीज है नहीं। मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का नाम है भगवान की नाम है। इसलिए कहते जो रामायण जो ग्रंथ है हमारा, हाँ कहते ये एक दिव्य ग्रंथ, रामायण और श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमारे सनातन धर्म के लिए, ये दो ग्रंथ दिव्य ग्रंथ, ये दो ग्रंथ है। इसलिए रामायण गुरु जी का बहुत बहुत प्रिय ग्रंथ ये रामायण ग्रंथ था गुरुदेव का, है गुरुदेव का। इसलिए गुरुदेव मथुरा में रामायण कथा करते थे, हम भी कोशिश करेंगे हैं कुछ दिन तक हम लोग भी श्री रामायण कथा करेंगे। कहते राम कथा की इतने प्रभाव है, गुरुदेव बोलते थे राम कथा की इतने प्रभाव है, राम कथा की कौन कौन है ला? कुछ बस, इसलिए राम कथा की इतने प्रभाव है। गुरुदेव कथा सुनाया करते थे, मैया जसोदा कृष्ण को राम कथा सुनाते थे। कृष्ण जब छोटे बच्चे थे, मैया थपथप लगा करके कृष्ण को कथा सुनाते थे, हैं जैसे माताएं बच्चों को लोरी सुनाती हैं, गप्पे गल्प सुनाती हैं, हाँ बोले दशरथ नाम के एक महाराज थे, कृष्ण कहते हों, बोले देश में सब सुख था, बोले हों, बोले एक चीज दुख थी, बोले हों, बोले घर में कोई संतान नहीं था, बोले हों, बोले उन्होंने श्री ऋषि सिंह मुनि को बुला करके उन्होंने पुत्र से यज्ञ, बोले हों। मैया जसोदा भी कृष्ण को राम की कथा सुनाया करते थे, कृष्ण भी अपना कथा सुन करके कृष्ण भी बड़े खुश होते थे। और जिस समय उन्होंने बोले, जैसे वनवास हो गया और रावण ने हैं संन्यास रूप धारण करते हुए सीता को उठा कर ले गया, हैं चित्र उठा कर ले गया, कृष्ण जो सो रहे थे ना गोद में, एकदम जोश आ गया, एकदम खड़े हो गए, बोले लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष ला, मैं दिखाता हूँ रावण के सीता को उठा कर ले जाएगा, मैं दिखाता हूँ। भैया बोले इसको क्या हो गया इसको क्या हो गया? भैया सोच रही है होगा कहीं उसने रामलीला कहीं देखा होगा, इसलिए उनको याद आ गया है, उसको याद आ गया। इसलिए यदि राम कथा मैया जसोदा, ब्रज में जब कोई ये होता है ना, जो कृष्ण लीला होता है, कृष्ण लीला में जब आते हैं श्रद्धा मधुमंगल अर्जुन आते हैं, बोले राम राम भैया, कृष्ण लीला में भी है, कृष्ण लीला में भी वो क्या कहते हैं, राम राम भैया है, वो भी अपना क्या बोलते हैं, राम राम। अब ब्रज जाओ, ब्रज में तो राधे राधे बोलते हैं, लेकिन गांव गांव में भी कहीं जाओ राम राम। दुनिया में कृष्ण तो पूर्णतम है, कृष्ण पूर्ण है, होने पर भी अधिकांश जगह में अब जाओ ना जाओ,
उधर कृष्ण कृष्ण केवल ब्रज में ही कृष्ण कृष्ण नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन ब्रज में भी गांव गांव में भी राम राम भी बोलते हैं, लेकिन और सारा दुनिया में जाओ राम राम भैया है राम राम, सवेरे उठ करके एक दूसरे को राम राम कहेंगे, है राम राम कहेंगे, क्योंकि राम का जो लीला है ये आदर्श लीला है। इसलिए आप कभी सुने नहीं होंगे राम कथा में कोई कटाक्ष करते हुए, जिसको आप सुने नहीं होंगे, लेकिन कृष्ण कथा को कटाक्ष करते हैं। कृष्ण कैसे गोपियों को चीर चुराया, रास रचाया, कभी जब इंजाम लगाते हैं लोग कृष्ण गोबर में, लेकिन राम गोबर में कभी भी कोई इंजाम नहीं लगाते, कभी इंजाम नहीं लगाते, बल्कि राम कथा सुन करके सब लोग सचेतन हो जाते हैं, नहीं हमारा जीवन आदर्श हमें ऐसे रखनी चाहिए। इसलिए राम कथा सुनने पर हमारी कृष्ण भक्ति करने का आधार बनेगा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं, है रूप गोस्वामी भी कहते हैं, जब तक राम कथा को जीवन में नहीं अपनाओगे, कृष्ण कथा कृष्ण लीला में तुम्हारी कोई अधिकार है ही नहीं है। कृष्ण कथा तो जोगेश्वरों का ही कथा है, जोगेश्वर का कथा से कृष्ण कथा, लेकिन राम कथा सभी साधकों के लिए, राम कथा सबसे ये वैद्य व्यक्ति के लिए सबसे प्रयोजनीय श्री राम की कथा है, है? इसलिए बोले बोले सियावर रामचंद्र की, इसलिए गुरुदेव बड़े अच्छी अच्छी कथा सुनाया करते थे, कहते जे भगवान जैसे कृष्ण इसी जगत में आने का बहुत सारे कारण है, भगवान रामचंद्र भी जगत में आने का कुछ भी ऐसे भी बहुत कुछ कारण है। बोले क्या क्या कारण है, हैं क्या क्या कारण है, जैसे कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कृष्ण जैसे कहते हैं जब जब जगत में अधर्म का हानि होने लग जाती है, हैं और धर्म अधर्म बढ़ने लग जाती है, धर्म की हानि, तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर क्या करता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ और भक्तों का मैं पालन करता हूँ, कहते ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, बोले दूसरा कारण है ये जय विजयों का आपको जो अभिशाप ग्रस्त दिया है, हैं जैसे जिस समय हैं भगवान अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति भगवान सारे रसों का मूर्तिमान स्वरूप है, अभी भगवान अभी सोच रहे हैं कहते सारे रस को तो मैंने आस्वादन किया, लेकिन एक रस बाकी रह गया, और कौन सा रस रह गया, कहते ये वीर रस रह गया है, ये वीर रस अभी मैंने आस्वादन नहीं कर पाया, अभी वीर रस किसको साथ में आस्वादन करूं, अभी एक चींटी हाथी को साथ में युद्ध नहीं हो सकता है ना, अगर हाथी हाथी में युद्ध हो फिर पता चलता भैया लड़ाई करने का क्या आनंद है, हैं चींटी हाथी से लड़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए क्या किया, भगवान की इच्छा से वैकुंठ से जब भगवान की चरण तुलसी चंदन की जब खुशबू ये ब्रह्मलोक में आया, पहले चतुसन ये ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे कहाँ इनको जन्म दिया, भगवान की रस को प्रेम रस को भक्ति रस को आस्वादन कराने के लिए, लेकिन देखो ये कहाँ ब्रह्मज्ञानी में चले गए, बड़े दुखी थे, वो सोच रहे थे कैसे मेरे बच्चे कैसे परिवर्तन हो जाए, जब चरण तुलसी चंदन की खुशबू जब बहते हुए ब्रह्मलोक में आया, जब इनकी नासिका में प्रवेश किया उसमें इतने सुगंध उसमें इतने खुशबू था, वो एकदम मतवाला बन गए, बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहे हैं, बोले वैकुंठ से ठाकुर के चरण तुलसी और चंदन की, बोले जिनकी चंदन तुलसी की इतने खुशबू वो कितने खुशबू नहीं होंगे, वो कितने मीठा नहीं होंगे, बोले हाँ बच्चों, बोले पिताजी दर्शन करने के लिए जाओ, बोले जरूर दर्शन करने के लिए जानी चाहिए, ब्रह्मा तो खुश हो गए, बोले क्यों, उनको पता है क्या पता है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इन्हीं बिलोक तो अति हर सीता परब सब ब्रह्म सुख ही मन त्याग, तब तक कोई भगवान को निराकार निराकार कह सकता है, बोले जब तक कि भगवान को दर्शन नहीं करता है, लेकिन भगवत दर्शन मात्र से ही है, दर्शन मात्र, इसलिए कहते हैं ना कोटि ब्रह्मा कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु, कृष्ण भक्ति आनंद में जो रस है कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं, है?
इसलिए कहते आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अभी उरुक्रमे कुर्बन अहितो की भक्ति इत भूत गुण हरि। भगवान हरि की जो गुण लीला कथा उसमें इतने रस है, इसे आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति भी आत्मा रामता को परित्याग करके कृष्ण प्रेमानंद को स्वीकार करते हैं, वो बड़े खुश हो गए, बोले जाओ एक बार दर्शन करके आओ। वो तो खुश होकर दर्शन करेंगे तो जरूर बदले जाएंगे। जब छह दरवाजा पार हो गए, जब सप्तम डोरी पर आए, नंगे धड़ंगे हैं, रोक ठोक नहीं अंदर में प्रवेश करते हुए जा रहे, इतने में जय विजय ने छड़ी से बंद कर दिया। हाँ, जैसे सोए हुए सर्प को जैसे उन्होंने छेड़ दिया, पास क्रोधिता क्रोध आया तो उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ये वैकुंठ लोग है, जहाँ पर रोग शोक भय डर, जहाँ पर कुछ है ही नहीं, और प्रभु के मिलने के लिए हमें भी आदेश की जरूरत है। जाओ तुम लोग यहाँ रहने का अधिकारी है नहीं, जाओ तुम राक्षस जन्म में जाओ। उधर रोने लग गए। इतने में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आ गए, बोले क्या? बोले ऐसे ऐसे बात है। तब मेरे गुरुदेव कह रहे थे जो सांप है, जो सांप को बेंग देकर खत्म कर, बेंग मतलब होता है मेढक, मेढक। मेरे गुरुदेव कहते थे इनका जो सांप है, वैकुंठ लोग है ना, कहते उनका जो अभिशाप है उसको मेढक दे करके हैं, बेंग मतलब मेढक दे करके उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन भगवान ने उनको वीर रस आस्वादन करने का है। और हमारे विश्वनाथ को ठाकुर टीका में कहते हैं, कहते ये जय विजय ये जान बुझ करके सब किया है। बोले क्यों? कहते जो उत्तम सेवक होते हैं, उत्तम सेवक का लक्षण क्या है? प्रभु जी की इच्छाओं को जान करके बोलने से पहले वो काम कर लेना। इसलिए अभी चतुसन अभी जय विजय सोच रहे हैं, अभी भगवान के मन में इच्छा है वीर रस का आस्वादन करना। अब प्रभु वीर रस को आस्वादन करेंगे कैसे? करेंगे तो करेंगे कैसे? इसलिए उन्होंने जान बुझ करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभिशाप को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हुए उन्होंने भगवान बोले ये बताओ, अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे तो 7 जन्म के बाद में आओगे, अगर मैं शत्रु बन करके जाओगे तो 3 जन्म के बाद में वापस आओगे, बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो जल्दी से जल्दी आना चाहते, इसलिए पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए, दूसरे जीवन रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंतर्व, चौथे में जय जगाई और माधाई बन करके आए। इसलिए कहते ये गुरुदेव सब कारण बताते, ये 2 कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है? इसलिए बोले तीसरा कारण है, कहते एक समय नारद जी की अभिमान आ गया था, नारद जी को अभिमान आ गया था। बोले क्या अभिमान आ गया था? बोले नारद जब तपस्या कर रहे थे, अभी पहले तो इंद्र का आसन हिल जाता है, इंद्र डर गया। बोले लगता है अगर भगवान खुश हो गए नारद जी के ऊपर में, अगर मांग लगा अगर ब्रह्म मेरी इंद्र लोग तो मेरे हाथ से छीन जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंद्र ने हैं घबराते हुए उन्होंने रंभा उर्वशी मेनका ये सब हैं इनको भेज दिया, किसी तरह से नारद जी का जो तपस्या इसको नष्ट कर दो। अब वो तो पूरा के पूरा स्वर्ग लोग से उतर करके आ गए, रंभा उर्वशी मेनका और नृत्य गीत वाद्य सेठ और सुगंधि फूल, वहां चारी तरफ में ऐसे मादक वस्तु उन्होंने सृष्टि की। जब सृष्टि की इतने में नारद जी तपस्या कर रहे थे, जब उन्होंने इस सब चीज को रंभा और उर्वशी मेनका चरण की नुपुर की झंकार सुना, इतने में नारद जी आग खोले तो सब वहां से भाग गए। अभी नारद जी को तो बड़ा अभिमान आ गया, बोले क्या अभिमान आ गया? बोले मैंने माया को जीत लिया, क्योंकि हाँ मेरे पिता भी स्वयं जीत नहीं पाए। ब्रह्मा जी क्या किया, अपना बेटी को सृष्टि किया, अपना बेटी को ऊपर में ब्रह्मा जी आसक्त होकर उसको पीछे भागे थे ब्रह्मा जी, फिर उनकी बेटी ने हिरणी बन गई, ये भी हिरण बनकर उसको पीछे भागे। कहते मेरे बड़े भैया कौन? बोले शंकर जी। बोले वो भी माया को जीत नहीं पाए, क्यों? भगवान की मोहिनी रूप देखा तो उन्होंने क्या किया, मोहिनी को पीछे भागे थे, है
महीन को पीछे भाग के पागल हो गए शंकर जी, नंगे उनको करके पूरा नंगे करके पूरा घुमा दिया मोहिनी ने पूरा है नंगे करके। कहते विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे कहां पर्वत के ऊपर में, मैंने कहा कि चरण की नुपुर की झंकार से उनको सारे भजन भजन खत्म, फिर जाकर घर गृहस्थ बैठा ली है। इसलिए इंद्र इंद्र का भी इंद्र किसको पर आसक्त हो गया अहल्या के ऊपर में है, वो अहल्या के ऊपर आसक्ति हो गया, फिर तो उसने पता नहीं कितने दुर्गति उसको कितने दुर्गति भोगना पड़ा इंद्र को। इसलिए सोच रहे हैं कहते सभी का अभिमान तो मैंने है सभी का अभिमान दूर हो गया, किसने माया को जीत नहीं पाया लेकिन मैंने माया को जीत लिया। बोले क्यों, बोले किसको अंदर में क्रोध आया किसने भगा सब, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ है, मैं आग खोला तो सबके सब भाग गए। इसका मतलब जो काम कोई नहीं कर पाए वो काम को मैंने कर दिया, इसलिए जगत में मैं सबसे बड़ा हूं। इतने में उसने गया पिताजी के पास में, बोले पिताजी जो काम आप नहीं कर पाए ना वो काम मैंने कर दिया। बोले क्या किया, बोले ऐसे ऐसे जो काम कोई नहीं कर पाए, अब तो हिरण के पीछे भागे थे लेकिन देखो मैंने तपस्या किया पूरा रंभा और वैसे मैंने कहा कि आग खुलत सब भाग गए, मतलब मैं माया को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी ने बोले राम 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 राम, ऐसे बोलना नहीं, मैं तेरे पिता हूं, मेरे को पता है माया की कितने शक्ति है, मेरे को पता है, खबरदार अहंकार नहीं करना। नारद जी बोले इतना बड़ा काम किया मैंने, मेरे को कोई बहावा नहीं दे रहे, मेरे को कोई प्रशंसा नहीं कर रहे। फिर शंकर जी को पास में गए, शंकर जी बड़े भैया लगते हैं, बोले शंकर जी को बोले, बोले जो काम आप नहीं कर पाए मैंने वो काम किया। बोले तुमने क्या किया, बोले मैंने माया को जीत लिया। बोले राम 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 राम, कभी बोलना नहीं, मैं भी पहले सोचता था भगवान एक बार मोहिनी रूप दिखाओ, मैं तो पागल होकर नंगे होकर घुमा पूरा जंगल में, इसने खबरदार बोलना नहीं। नारद जी ने देखा इतना बड़ा मैंने काम किया, मेरे कोई प्रशंसा बाबा कोई नहीं दे रहे, इसने क्या किया, सीधा चले गए, बोले भगवान को पास में जाता है, तो भगवान को पास में सीधा चले गए। बोले ठाकुर जी जो काम किसने नहीं कर पाए वो काम मैंने कर दिया है, बोले मैंने माया को जीत लिया। भगवान ने देखा इसका फोड़ा हो गया है, इसको ऑपरेशन करनी चाहिए है, इसका ऑपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो भक्ति जगत में जो अभिमान है ना, अभिमान सुरापान, अभिमान सुरापान, प्रतिष्ठा सुगर्विष्ट, इसलिए बोले इनका इसका अंदर में तो है इसका ऑपरेशन करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि भक्ति जगत में जो अभिमान आता है ना वो अभिमान बढ़ते 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 कभी इतना ऊंचा हो जाता है, कभी अभिमान इतना ऊंचा हो जाता है, अभी जाकर के फोड़ा जैसे फट जाती है ना वो लास्ट में जाकर अभिमान फट जाती है। इसलिए सिखा देते हैं भक्ति जगत में कभी भी अभिमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दर्पहारी ना दर्प हम कहते ना दर्पहारी कौन है, जगन्नाथ जी दर्पहारी, किसकी अभिमान को ठाकुर जी, किसी की अभिमान को ठाकुर जी नहीं रखते हैं, किसी के सारे को सारे का अभिमान ठाकुर जी दूर कर देते, दर्पहारी भगवान है। बोले इसका तो फोड़ा हो गया, उसको ऑपरेशन करनी चाहिए है, इसको ऑपरेशन कर देनी चाहिए नहीं तो आगे और बढ़ेगा। और भगवान दयालु है ना, ठाकुर जी का हम सब बच्चे है, बच्चे होने का ना तो ठाकुर जी चाहते हैं इसका ऑपरेशन भी हो जाए और ये बच भी जाए, ऑपरेशन भी हो जाए और ये बच भी जाए है, भगवान सबका संतान बच्चे है ना, हम भगवान के बच्चे है ना, ठाकुर जी चाहते हैं भक्ति में बढ़े, हम बद्ध जी भी है ना ठाकुर जी के, हम बद्ध जी भी है, इसलिए ठाकुर जी बोले उसको ऑपरेशन करनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, बोले मैं एक माया जीत हूँ और तू मेरे बच्चा है ना, इसलिए बच्चा होने का नाते है इस शेर का बच्चा तो शेर ही होता है ना, शेर का बच्चा तो शेर होता है, इसलिए खूब भगवान पीठ पर हाथ थपथपाए है, बोले जो काम कोई नहीं कर पाए तुमने ये काम करके दिखा दिया, तुम्हारे जैसे भक्त दुनिया में कोई है नहीं। नारद जी का छाती तो मोटा हो गया, मैं तो सबसे बड़ा भक्त मैं ठाकुर जी का है, और क्या अभिमान नारद जी की। और नारद जी वैकुंठ से उतर रहे थे, उतरते उतरते भगवान बीच में एक स्वयंवर सभा कर दिया, सुंदर एक स्वयंवर सभा रचा दिया, और वहां पर सारे देवता लोग बैठे हुए, माँ लक्ष्मी स्वयं है एक सुंदर वरमाला लेकर के अपना पति को ढूंढ रहे, जो सबसे सुंदर होगा उसके गले में ये माला मैं डालूंगी। इतने में नारद जब आए, कहते जो बेटी का राजकुमारी के एक पिता बने हुए थे है? पिता बने हुए थे, इसलिए उन्होंने बोले नारद बाबा
मेरी बेटी की स्वयंवर सभा हो रही है, आप कृपा करके थोड़ा पधारो। तब उनको लाए, बोले मेरी बेटी का थोड़ा हाथ रहेगा, देखो थोड़ा, देखो तो इसका क्या भविष्य है, वो तो महालक्ष्मी स्वयं थी। बोले बाबा रे, ये जो बेटी जिसको घर में जाएगी ना, माँ लक्ष्मी घर घर में हर समय भरपूर रहेगी, और जिसको साथ में शादी होएगा उसका जस पृथ्वी में उसकी जस जाएगी, और जिसको साथ में शादी होगा ना, वो जो अजर अमर बन करके रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं। ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी ये लड़की तुम्हारी, इसका हस्तरेखा तो इतने सुंदर हस्तरेखा, और उसको देखने में बड़े सुंदर, माँ लक्ष्मी के हाथ है। लक्ष्मी नारद जी ने देखा, भैया सबके सब तो दो दो है, लक्ष्मी नारायण अभी दो है, सीता राम ये भी दो है, और राधे श्याम वो भी दो है, और सची इंद्र वो भी सब दो दो है ना, हैं, और पार्वती शंकर वो भी दो, मैं अकेला क्यों रहूं, मैं भी दो हो जाऊं। इसलिए जब सभी दो दो है, अभी दो दो हम भी हो जाए, और इसके हाथ में तो सारे लक्षण, इसके हाथ में अगर इसको साथ में शादी हो जाए ना, बस कहते जिसको साथ में शादी होगी उसका पति का ये लक्षण है, भैया मैं ही शादी कर लूं। लेकिन ये लड़की तो स्वयंवर सभा में, स्वयंवर सभा में जो सबसे सुंदर होगा उसको गले में माला डालेगा। अभी तो मैं साधन करते करते मेरे शरीर में हड्डी हड्डी है, लड़की तो अभी मेरे को पसंद नहीं करेगी, अभी क्या किया जाए। बोले अभी अभी मैंने नारायण के पास से उतर करके आ रहा, नारायण के पास अभी ठाकुर जी मेरे ऊपर में सबसे खुश हुए, ठाकुर जी खुश हुए, जगत में सबसे सुंदर नारायण, अगर थोड़ी समय के लिए भगवान का रूप को लेकर के मैं आ जाऊं ना, बस ये लड़की मेरे गले में ही माला डाल देगी, बस सीधा नीचे क्या आएगा, सीधा वैकुंठ गया। बोले ठाकुर जी अभी तक मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं, केवल एक चीज थोड़ी समय के लिए दे सकते हो। बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले आपका ये हरी रूप है ना, केवल थोड़ी समय के लिए उधार दे दो, फिर मैं वापस दे दूंगा। भगवान ने बोले कोई चिंता नहीं, मैं अपना हरि रूप तेरे को मैं दे रहा हूं। बस हरि का एक नाम बंदर भी होता है, पर्यायवाच में बंदर होता है, पूरा काला बंदर का उसका चेहरा हो गया। बस नारद वहीं से उतरा सीधा, कहां पर आए, स्वयंवर सभा में। वो लड़की लेकर वनमाला घूम रही थी, और नारद ना क्या करते, तो लड़की जिधर जाती थी नारद जी उधर जाकर के ना अपना सर को ऐसे कर देते थे, बोले तुम मेरे तरफ में देख गला माला डाल, लेकिन वो तो काला बंदर का हो, वो तो देख करके नाक सिकुड़ते सिकुड़ाते हुई वो दूसरे तरफ में चली जाती है। नारद जी सोच रहे हैं शायद इसका नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा, इसलिए नारद जी क्या कर, फिर घूम करके जिधर आती ना, फिर घूम करके दूसरे तरफ में आती, फिर गला को ऐसे करती है ना, लड़की उसको तरफ में देख, फिर नाक सिकुड़ती हुई फिर तीसरी तरफ में चली जाती। बोले नज क्या मेरे तरफ में दिख नहीं रहा है, मैं है इतना सुंदर हूं, फिर पूरा उसको ना घुमा दी, पूरा घुमा दिया पूरा सभा में, और करते करते इतने में श्री भगवान वैकुंठ से गरुड़ गोपुर में ठाकुर जी आए, और आते ही उधर लक्ष्मी थी, साक्षात गला में माला डाली नारायण की, और उन्होंने गरुड़ गोपुर बैठा है जब जा रहे थे। इतने में देवता ने कहा नारद जी देखो तो सही, आप देखने में कैसे हो, एक शीशा पकड़वा दिया, देखो कैसे। नारद जी वो देखा ना काला बंदर का मुंह, काला बंदर का मुंह। इतने में देख करके ना इतना क्रोध आया भगवान का प्रति, हैं, बोले सारा दुनिया का नाच नचाने वाले तुम हो, हैं, सारा दुनिया को नाच नचाते हो, और मेरे को बोल दिया ये हरि रूप दे रहा हूं और काला बंदर का मुंह दे दिया, और देख करके बोले शादी करने के लिए मैं चाहता था, और बीच में तू आकर खुद मेरे पत्नी को लेकर चला गया, हैं, इसलिए मैं तुमको अभिशाप देता हूं। क्या अभिशाप देता हूं, बोले जिस लड़की को पीछे तुमने मेरे को इतने घुमाया दर दर, एक दिन इसी लड़की को पीछे तेरे को भी दर दर तेरे को भी भटकना पड़ेगा। जो उनने ये अभिशाप दे दिया, इतने में ठाकुर जी ने माया को हटा दिया, ठाकुर जी ने माया को हटा दिया। जो माया को उन्होंने हटा दिया, फिर तो याद आया अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अभी अभी तो मैंने वैकुंठ गया था, ठाकुर जी को बोला, क्या बोला, ठाकुर जी है मैंने माया को जीत लिया, और आते ही आते लक्ष्मी के ऊपर में आसक्ति हो गया, है लक्ष्मी के ऊपर में बोलना माया को जीत गया और लक्ष्मी के ऊपर आसक्ति हो गया, फिर तो ठाकुर के चरण में गिर पड़ा, ठाकुर जी मेरे अपराध को माफ कर दो, अपराध हो गया मेरी
अपराध हो गया। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। एक तो तुम्हारी अभिमान हो गया था, माया को मैंने जीत लिया, इसलिए तेरा अभिमान दूर करना था। क्योंकि अभिमान, भक्ति जगत में अभिमान सबसे गंदा चीज है। हाँ, हमारे नियम है वैष्णव का, दासों का, दासों का, दासों का, दास बनकर रहनी चाहिए। हाँ, जैसे जिस वृक्ष में जितने फल आ जाए वो वृक्ष झुक जाती है, कभी खड़ा नहीं रहती है। इसलिए जिसको अंदर में कहते ना, विद्या ददाति विनय, विद्या हर समय विनय प्रदान करता है। जिसको अंदर में जितने अच्छे गुण हो जाए वो उतना ही दिन था। एक बार महाराज बोल रहे थे, भक्त रहते माधव गोस्वामी महाराज, इनके जब व्यास पूजा होता था, गुरुदेव बोलते थे भक्त माधव महाराज बड़े लंबे छोड़ थे, गौरव वर्ण के बड़े लंबे छोड़ थे। कहते थे जब हम उनके व्यास पूजा में हम लोग जाते थे, वो क्या करते थे, इतने लंबे चौड़े आदमी, हम लोग उनके शिष्य है, हैं उनके शिष्य है, क्योंकि गुरु भाई उनको, गुरु जी के गुरु भाई उनका शिष्य है। लेकिन व्यास पूजा में स्वयं व्यास गति से उत्तर करके सारे वैष्णव को प्रणाम करते थे, अपने हाथों से वस्त्र देते थे, अपने हाथों से वस्त्र देते, सबको वस्त्र देते अपने हाथ से। मैंने अपना गुरु जी की तिथि में एक बार था, यहीं पुरी में, पुरी में जब था गुरु जी की तिथि पुरी में कभी हुई, मैं तो उस समय था। गुरुदेव ने एकदम अच्छे अच्छे कपड़े, जो पहले का कपड़ा था ना, इतना बड़ा मोटे मोटे पहाड़ होता था सफेद रंग का, मेरे गुरुदेव सभी को सारे वैष्णव लोग को जाए, मेरे गुरुदेव आ करके बैठ कर बैठा करके सारे वैष्णवों को बुला करके करके उनको करके शिष्य जैसे होंगे उनको गुरु भाई तो कोई नहीं, सब सबको गुरुदेव खुद बैठा करके उनको ये दो, इनको ये खिलाओ, इनको ये खिलाओ, और सबको प्रणामी, और सबको एकदम अच्छे अच्छे वस्त्र सबको गुरुदेव अपना हाथों से सबको हाथों से देते थे। इसलिए हमारे जो गुरुवर्ग लोगों ने दीनता शिक्षा दिया है, दीनता कहते वैष्णव का जो दीनता ये भूषण है, जिसको अंदर में दीनता है, हैं कहते जो जितना अंदर में जितने जैसे वृक्ष में जितना फल आ जाए वो वृक्ष उतना झुक जाती है, ऊंचा नहीं होता है, ऊंचा नहीं होता है, वो झुक जाती है। इसलिए जिसको अंदर में जितने वैष्णवता आएगा, जितने वैष्णवता आएगा उतना ही झोंक जाएगा। अगर किसको अंदर अभिमान आ रहा है समझना, भक्ति का भाव ही नहीं, भक्ति का भाव ही नहीं है, अभिमान सुरापान है। इसलिए कभी भी हमें अभिमान नहीं करने चाहिए, अभिमान कर, इसलिए भगवान दर्पहारी है, हाँ दर्पहारी, किसका दर्पों को ठाकुर जी सहन नहीं करते हैं। इसलिए हमारे उड़िया में कहते ना, ठाकुर को गाली दो, पंडा माने सब गाली दो ना, पंडा सड़ा फड़ा जगन्नाथ उछाओ गाली दी, गाली ठाकुर जी गाली सहन कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी किसके अभिमान को सहन नहीं कर सकते, गाली सहन करेंगे लेकिन अभिमान ठाकुर जी सहन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे अंदर में जो अभिमान आ गया था वो अभिमान को मैं दूर करना चाहता था, है इसलिए मैंने ये लीला की। और दूसरी है, दूसरी बात है, बोले तुमने जो अभिशाप मेरे को दिया है, इसी लड़की को पीछे तुमको एक दिन भटकना पड़ेगा। कहते ये मेरे रामलीला का ये सूत्रपात है, ये रामलीला बात सही है। एक दिन ये लक्ष्मी के लिए मैंने, जब रावण ये सीता को उठा करके लेकर जाएगा, मैं भी इसके लिए वन वन में मैं भी भटकूंगा। हा सीते बोल करके मैंने लता पता वृक्ष सबको मैं पूछूंगा, मेरे सीते को कहीं देखे हो, मेरे सीते को कहीं देखो, मैं भी ये जंगल में दद्दर में भी भटकूंगा। लेकिन जब भटकूंगा ना, तेरे जैसे काला मुंह बंदर वाले मेरे को मदद करेंगे, हैं तेरे जैसे काले मुंह बंदर वाले मेरे को मदद करेंगे, तुम्हारी मदद से ही ये सीता को मैंने उद्धार करूंगा। इसलिए कहते ये एक कारण है, क्या कारण है, रामलीला का ये एक कारण है। कहते गुरुदेव सब कथा सुनाया करते थे, इसलिए रामलीला का और भी बहुत बहुत पीछे भी बहुत बहुत कुछ कारण है। रामलीला भगवान जगत में रामलीला उन्होंने क्यों की है, ये सब कारण है रामलीला का। कहते ये जिसमें रामायण कथा लिखी गई है उसका नाम रखा रामायण, क्या लगा ना ग्रंथ का नाम रामायण। रामायण का मतलब क्या होता है, कहते राम अयन, राम और अयन रामायण है। कहते अयन मतलब होता है आश्रय बाघर, राम मतलब होता है, अयन मतलब होता है आश्रय, राम का जिसमें घर है, राम का जिसमें निवास है। कहती है श्री
रामायण ही है। इसलिए कहते रामायण में जैसे भगवान, जैसे आप कहते ना भागवत ग्रंथ, भागवत क्या है, भागवत ग्रंथ क्या है, कहते हैं कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषह कलो नष्टा दृशा में स पुराण अर्क अधुनाधिता। जैसे जीवों को कल्याण करने के लिए जिस समय भगवान कृष्ण चले गए उस समय क्या हुआ, भगवान कृष्ण रूपी कति भागवत ग्रंथ रूपी सूरज जगत में अवतरण हो गया। जैसे सूरज उदय होने पर क्या होता है, सारे अंधकार दूर हो जाता है, हैं? दूर हो, उसी तरह कति जो रामायण ग्रंथ भी कति श्री रामायण ग्रंथ भी ठीक रामायण जिसमें भगवान राम का, जिसमें ठाकुर जी से राम का जिसमें आश्रय है, हैं? राम का जिसमें आश्रय, कति रामायण नहीं कि रामायण स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ही ये ग्रंथ रूप में ठाकुर जी की प्रकट इस जगत में हुए हैं श्री राम कथा। इसलिए कहते जो रामायण जो ग्रंथ है, कहते किसने लिखा रामायण ग्रंथ को, कहते श्री वाल्मीकि, किसने लिखा वाल्मीकि, पहले वाल्मीकि कौन था, कहते ये दस्यु रत्नाकर, ये डाकू डालता था, हैं, ये डाकू डालता था सब, कहते ये डाकू डालता था ये एक दिन नारद से मिले, बोले बाबा निकालो क्या पास में निकालो, बोले भैया हम तो संत लोटे सोटे लंगोटे, हमारा पास में और तो कुछ है ही नहीं, लोटे सोटे लंगोटे तीन चीज है, बोले जो कुछ हो निकालो निकालो। तो नारद जी ने कहा ये बताओ तुम ये पाप कर्म करके पैसा कमाते हो, ये पाप कर्म को कौन भोग करेगा, बोले मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरे पिता माता, बोले देख ये सब के सब तेरे सुख का समय में सब साथ दे रहे लेकिन ये कोई भी तेरे दुख में कोई भी मदद करने वाले नहीं, ये परिवार बड़े स्वार्थी हैं, कहेंगे आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन और तुम कौन, पैसा गन और तुम कौन, ये संसार बड़ा विचित्र है, दुनिया में जो प्रेम प्रेम दिख रहा है ना, हम जो सोच रहे हैं भैया मेरे को प्रेम करता है, बाप मेरे को प्रेम करता है, मैया मेरे को प्रेम करता है, तेरे को प्रेम नहीं करता है, ये संसार कैसे है, जैसे गन्ने से जूस निकालते हैं ना, देखा गन्ने से कैसे जूस निकालते हैं, एक बार मशीन में देंगे निकल गया, बोला और थोड़ा जूस है उसको डबल करेंगे फिर दो बार देंगे, पर जूस निकल गया बोले और थोड़ी है फिर उसको चार बार करके फिर देंगे और थोड़ी सी है फिर उसमें आठ बार कर फिर उसमें देंगे, दे करके जब पूरा खत्म हो जाएंगे ना छोड़ेंगे नहीं, फिर उसमें जला करके फिर रसोई बनाएंगे, जला करके फिर उसमें रसोई बनाएंगे। इसलिए ये दुनिया में जो प्रेम प्रेम दिख रहा है दुनिया में वो प्रेम नहीं, ये केवल स्वार्थ है, अभी चुके तुम्हारे शरीर में कुछ खून है, अभी और चूसना है और चूसना है, इसलिए दुनिया में तुम्हें सब प्रेम दिख रहा है लेकिन तत्वतः कोई जगत में प्रेम जिसको कोई करते नहीं, वो केवल स्वार्थ गोबर में, इसलिए जिसको सोच रहे मेरा मेरा है ना, जाकर के पूछ कर क्या, बोले वाह मैं पूछने के लिए जाऊंगा तो पीछे भाग जाओगे, बोले भागूंगा नहीं बोले तेरे को बांध करके जाऊंगा, कहते उसको पीछे हाथ को बांध करके नारद जी को है हाथ को बांध करके है हाथ को बांध करके सबके सब गए गए, जब बांध करके गए अभी घर में जाकर के पूछा पत्नी से, बोले पाप कर्म से जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उसमें अंशीदार तो बनेगी कि नहीं, बोले क्यों, घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा, इसलिए घर का काम मेरा तेरा बाहर का काम तेरा, तो कैसे पैसा कमाते हो इसमें मेरे कोई मतलब नहीं, घर का काम तो मेरा, मैं घर का काम ठीक से कर रही हूँ। पिता माता से पूछा हमारे पाप कर्म लोगे कि नहीं, बोले क्यों लेंगे, तेरे को जन्म दिया लिखाया पढ़ाया इतना बड़ा क्यों किया, हमने कैसे पैसा कमाई हो हमें पता है और तू कैसे कर रहे हो हमें कुछ पता नहीं। बच्चों से पूछा तुम लोग लोगे कि नहीं, बोले क्यों, अभी हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमें लिखा पढ़ा सिखा करके बड़ा बनना, जब हम बड़े बन करके जब पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे। बोले बाबा तो सही बता रहे थे, ये तो कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं, पहले तो सोच रहा था ये सब के सब मेरे पाप का अंशीदार बनेंगे, फिर उसकी आँख खुला तो फिर भागते भागते आया है, फिर भागते भागते आया आ करके उनके चरण में गिर पड़ा, बोले बाबा आप सही बता रहे थे, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं, सही बता रहे थे, बताओ हमें तो बड़े हाँ कितने लोगों को मैंने हत्या की, मैंने कैसे पैसा उपार्जन किया, हाँ
अभी तक तो मैं अज्ञान ही था, है? मैं तो सोच रहा था ये लोग मेरे को बड़े प्रेम कर रहे हैं, सबके अंशीदार बनेंगे, लेकिन आप कैसे हो जब तक जेब में पैसा हो? इसलिए बात सही बता रहे थे, बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? बोलो भगवान राम का नाम लो, बोलो राम, बोलो बोलो, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला। बोले क्यों? कहते जो पापी लोग हैं उनका मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है, इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, जनहि पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन, वही व्यक्ति हर समय भगवान का नाम ले सकता है जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की सेवा पूजा की, ठाकुर जी की सेवा पूजा की है, उसकी मुंह से भगवान का नाम निकल सकता है। पाप कर्म किया था ना, इसलिए मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकला। बोले तुम बोलता मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता, बोले हाँ ये तो बोल सकता हूँ, हाँ ये तो बोल सकता हूँ, इसलिए मरा 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 अपने आप हो जाएगा, मरा 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 बोलते बोलते अपने आप राम राम हो जाता है, अपने आप 2-3 बार में राम राम हो जाता है। इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करह सुमन मन माही। इसलिए कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, इसलिए वो उल्टा नाम बोलते बोलते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इतने बड़े दशरथनागर से वाल्मीकि बन गए। अब बन करके राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिखी और उन्होंने लवकुश को पढ़ाया, इसलिए लवकुश है, लवकुश ने जब सुना रहे थे राम कथा सुना रहे थे, बोला हमारे गुरुजी यहीं तक हमें सुनाया, आगे की बात गुरुजी लिखे थे लेकिन आगे का बात गुरुजी हमें नहीं सुनाया, लेकिन गुरुजी दिव्य ज्ञान से दिव्य चक्षु में सब कुछ दर्शन करते हुए उन्होंने राम रामचरित्र लिखे थे। अगर उल्टा नाम करते करते अगर सीधा होकर के ऐसे हो सकते हैं, अगर हम लोग अगर सीधा नाम करें तो फिर क्या होगा, अगर हम सीधा नाम करें तो फिर क्या नहीं बन सकते। इसलिए बोले राम ना सकई नाम गुण गाई, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं नाम की इतने महिमा है, कहते राम ना सकई नाम गुण गाई, राम स्वयं अपना नाम की महिमा को नहीं गा सकते। इसलिए गोस्वामी जी का उदाहरण उसमें दिया, जैसे जमीन में बीज को बो दो, जैसे धान हो गेहूं हो हम ऐसे ऐसे फेंक देते ना, जमीन में फेंक देते, देखे ना वो बीज उल्टा पड़े सुलटा पड़े जैसे भी गिरे, लेकिन जब पेड़ होगा ना वो सीधा होगा, वो पेड़ सीधा होगा। कहते उसी तरह भगवान का नाम, कहते किसी तरह से भी भगवान का नाम अगर जीवा से निकल जाए ना, किसी तरह से निकल जाए, उसका जो फल है कभी उल्टा नहीं होगा, उसका फल सीधा होगा, चल सीधा होगा। इसलिए कहते श्री वाल्मीकि ने ये रामायण को, उन्होंने श्री वाल्मीकि ने ये रामायण को लिखे। बोले श्री वाल्मीकि रामायण की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मण भरत लाल की, अयोध्यापुरी की, बोले श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी की, दिताई गौर ब्रह्मानंद हरी हरी बोल की। खत्म कर दिया ना, हो गया ना, 8:30 बजे थी, फिर कल से कंटिन्यू सुनेंगे। मंचा गुरुदेव कृपा सिंधु वचन भाव ने भो वैष्णव, जो जो रामायण कथा है ना, इतने कथा अच्छे रामायण, अब मैंने जानी नहीं बोली, हमें कहना रामायण है ना, शिक्षामूलक कथा रामायण रची कौन बंद कर दे, रामायण कथा।